अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक होगा, खैरियत से होंगे। तो आज फिर एक नई रेसिपी के साथ मैं हाजिर हो गई हूँ। सो क्या है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो इसलिए जब भी आपको मौका मिले आप कुछ भी सीख सकते हो। ये रेसिपी मेरी मदर इन लॉ स्पेशल रेसिपी है, मैंने उन्हीं से सीखी है। तो ये लेडी फिंगर की रेसिपी है, भिंडी जिसको कहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मुझको टेस्टी लगी। तो आप भी जिनको बोरिंग लगती हो भिंडी, तो आपको जिस तरीके से बनाए तो ये आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम भिंडी ले लिया है, इसको मैंने इस शेप में कट कर लिया है। अब यहाँ पैन गरम करके, कढ़ाई गरम करके मैंने इसमें ज़ीरा डाल दिया है हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें अजवाइन डाल दी है। अजवाइन और ज़ीरा वैसे भी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है। मैं अपनी हर वीडियो में ये चीज़ ज़रूर बताती हूँ। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ पे भिंडी डाल दी है। यहाँ पे हमने हाफ मीडियम साइज अनियन को रफली चॉप कर लिया था, वो डाल दिया है। हाफ टमाटो मैंने चॉप कर लिया था रफली, वो भी मैंने इसमें कट कर लिया, ऐड कर दिया है। अभी मैंने इसमें हाफ टी स्पून हल्दी ऐड कर दी, हाफ टी स्पून मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। अब इसे हम बिल्कुल ढक कर 20 से 25 मिनट तक कुक होने के लिए छोड़ देंगे। और याद रहे कि बीच बीच में हमें इसको चेक करते रहना है कि नीचे से बिल्कुल इसकी लेयर जो है वो जले नहीं। तो इसलिए हम इसे इस तरीके से बहुत हल्के हाथ से इसको चलाते रहेंगे, ऊपर नीचे करते रहेंगे, ठीक है ना। देखने में बहुत अच्छी लग रही, कलरफुल बहुत लग रहा है। ऐसे भिंडी आपकी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हम कोई भी शेप दे सकते हैं, उसको गोल भी काट सकते हैं और ये शेप भी काट सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैंने दोबारा से चेक करी है, तो काफ़ी हद तक ये कुक हो चुकी है। फिर मैंने इस चेक करा है कि हो गई है कि नहीं हुई, तो ऑलमोस्ट ये कुक हो चुकी थी। 1 से 2 मिनट मैंने फिर दोबारा इसे रख दिया था। अभी देखिए टनान, इट्स रेडी। आप इसको रोटी के साथ, पराठे के साथ, एज पर योर चॉइस आप इसे ट्राई कर सकते हैं। और एक थोड़ा यूनिक रेसिपी है, किसमें अजवाइन का टेस्ट भी आ रहा है, ये बहुत अच्छी बनी है वाकई, इट्स डिलिशियस, सो गुड। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए आप मेरे सब्सक्राइब कर सकते हैं। ओके बाय।